तो फाइनली आप लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे कि राजस्थान पार्ट 3 कब आएगा कब आएगा कब आएगा, बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई भाई। मैं एक्चुअली में सच बता रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। एक्चुअली मुझे खुद पोस्ट करना था यार आप लोगों के लिए, तो वीडियो बनाया था, सारा वीडियो अभी मैंने रखा हुआ, कुछ डिलीट नहीं किया, सारा डेटा मेरे पास पड़ा है। तो फाइनली पार्ट 2 आपके सामने है, पार्ट 3 आपके सामने, एंजॉय द व्लॉग। हे गाइस, गणी खम्मा, राम राम, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया व्लॉग इन दी राजस्थान, राजस्थान से। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं नानी के घर, नानी के गाँव, वहाँ की भी अलग वाइब है, दिखाता हूँ आपको। उससे पहले यहाँ पे कुछ काम है, पहले कपड़े लेना, हमें हमारे गांव जाना पड़ेगा, वहाँ से कपड़े लेके यहाँ पे आएंगे, यहाँ से फिर नानी के गांव जाएंगे। तो चलो कपड़े लेने चलते हैं पहले, लेट्स गो। गाइस ठंड देखो यार कितनी सारी पड़ रही है भाई, इतनी ठंड में बाइक लेके जाना है, मौत आ रही है, लेकिन जाना पड़ेगा। सो दोस्तों फाइनली चलो यहाँ पे तो पहुँच गए, अभी यहाँ पे कपड़े हमने ले लिए, अभी थोड़ी देर के बाद फाइनली हम लोग निकलते हैं बुआ के घर। दोस्तों उस दिन हमारा नानी के घर जाना नहीं हुआ, लेकिन हमारी शॉपिंग कुछ बाकी थी और मेरे भाइयों की शॉपिंग भी कुछ बाकी थी, तो हम सब लोग वहाँ से बाजार में चले गए कपड़े की शॉपिंग करने के लिए। लेकिन हमारा नसीब खराब था कि उस दिन पूरा बाजार बंद था, फिर हमने सोचा कि कपड़े तो लेने ही हैं आज, तो फिर हम वहाँ से आगे चले गए सीकर की तरफ। फाइनली दोस्तों हम लोग सीकर पहुंच चुके थे, सब ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, अपने अपने हिसाब से कपड़े ले रहे थे सब, लेकिन मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आए थे, तो फिर हम गए दूसरी शॉप पे जहाँ पे मुझे चाहिए थे फॉर्मल कपड़े, और विचित्र प्राणी को भी फॉर्मल कपड़े चाहिए थे। तो फिर यहाँ पे हमने एक से एक कपड़े देखे और हमें एक से एक में से एक एक कपड़ा पसंद आ गया, जो काफी अच्छा था, तो फाइनली हमने वो ले लिया। शॉपिंग के बीच में चल रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल, इस बार बदला लेना है भाई न्यूजीलैंड से, तो जीत के जाना है। ये है भाई सिक्कर का सबसे फेमस तबेला बाजार, भाई यहाँ पे शॉपिंग की है, कब से आए थे सुबह के, शाम होने वाली है लेकिन अभी तक हमारी शॉपिंग खत्म नहीं हुई, और भाई यहाँ की भीड़, जगह नहीं है भाई पार्किंग के लिए, कहीं पे गाड़िया गाड़िया चलने के लिए जगह नहीं है गाड़ियों के लिए, तो छोड़ो। सो भाई गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, भाई हम आज गए थे कपड़े लेने गाइस, बस हो गया भाई दोस्तों, हम कपड़े लेने आए थे। अरे चुप हो जा साले, भाई यहाँ का फेमस बाजार है तबेला बाजार नाम है यहाँ का, मतलब सारी वाइब वो ओल्ड वाली जो अंग्रेजों के ज़माने की गलियाँ वलिया उस टाइप का है, लेकिन यहाँ पे भाई बिल्कुल जगह नहीं, और यहाँ पे भाई एक फेमस कचौरी वाला है, आइसक्रीम वाला है, इतनी भीड़ थी वहाँ पे, हम जा रहे थे लेकिन भीड़ देख के नहीं जा पाए क्योंकि बहुत भीड़ है यार, और सुबह के आए हुए, अभी शाम होने वाली है, अभी तक शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई भाई, थक गए भाई। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ सो स्ट्रेसफुल शॉपिंग टुडे, वी कैन डू वाव भाई। हमने ये स्वेटर लिया है भाई, देख लो लेदर टाइप का, वाह क्या लग रहा है भाई, वाह 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 वाह। ये भाई यहाँ पे ये रहे, ये पीछे बैग रहे, ये रहे ये रहे, इतनी शॉपिंग की है और अभी सब और शॉपिंग करने के लिए गए, हमारे तो डन हो गई, तो हम तो गाड़ी में बैठे हैं, 80% शॉपिंग हो चुकी है, बस थोड़ी सी बाकी है, तो उसे पूरी करने के लिए कुछ को जूते लेने थे, किसी को एक एक ओनली ड्रेस बाकी थी। यो गाइस हम गुजराती बोलते हैं गाइस, आई स्पीकिंग ऑलवेज गुजराती। और भाई जो सरप्राइज आने वाला था ना उसमें टाइम लगेगा भाई, अगर मैं कोई चीज़ करना चाहूँ और वो इतनी आसानी से हो जाए, नहीं भाई इतनी आसानी से नहीं होगी, तो सरप्राइज में टाइम लगेगा क्योंकि वो सरप्राइज हमें खुद सरप्राइज करेगा, आएगा ज़रूर, फिक्स है भाई, लाना तो है, समझ रहे हो समझ रहे हो। यहाँ पे ज़्यादा ब्लॉगिंग मेरे से नहीं होने वाली भाई, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल है सबके सामने ब्लॉगिंग करना, नहीं भाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर वो फील नहीं आएगी यार, जैसा मैं रियल में अभी जैसे मैं बोलता हूँ ना वैसे नहीं बोल पाऊँगा, सब हो गए तो वो नहीं आता यार, आप बोलते रहते हो और फिर जो रिएक्शन आते हैं तो फिर नहीं मज़ा आता भाई, बोल भी क्या बोलूँ वो भी भूल जाता हूँ। मैं ब्लॉगिंग करूँगा मेरे स्टाइल में अलग तरीके से, सो फिकर नॉट, ब्लॉग आएंगे भाई साहब। यहाँ पे इतनी ठंड है ना यार, बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ता है, गुड मॉर्निंग, सो जाते हैं भाई, बहुत ठंड है यार। चलो भाई फाइनली अभी जा रहे हैं नानी के घर, कल तो जाना नहीं हुआ लेकिन अभी फाइनली डन, तो लेट्स गो, इसी टेम्पो में चलते हैं, आगे बैठता हूँ यार। भाई फाइनली यहाँ पे पहुँच गए, अभी यहाँ से बस पकड़नी है खाटू श्याम जी की, फेमस खाटू वाले बाबा के, वहाँ जाएंगे, वहाँ से बस पकड़ के गाँव पास में ही है एकदम। भाई खाटू श्याम जी पहुंच चुके हैं, लेकिन भाई यहाँ पे जो भीड़ है क्योंकि 23 तारीख को आने वाला है खाटू श्याम जी बाबा का बर्थडे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है उस दिन, तो आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ तक भीड़ है भाई, ये तो मेन चौक है, यहाँ से सभी लोग अंदर जाएंगे तो और भीड़ होने वाली है, तो भाई दिखा अंदर तो जाने का होगा नहीं, यहाँ से मैं दिखाता हूँ कितनी भीड़ है। भाई बस आगे रुकती है तो बस को भी पीछे रोकना पड़ा क्योंकि भीड़ इतनी है यहाँ पे,
अभी यहाँ से हमें बस मिलेगी, पास में ही गांव है नानी का तो वहाँ जाएंगे, लेकिन अभी तो यहाँ से बस लेके जाना पड़ेगा। ट्रैफिक देखो भाई, कितना सारा ट्रैफिक है भाई यहाँ पे। जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, एलविस यादव ले लो, कोई भी जो बड़ा खिलाड़ी है, जितने भी मिस्टर इंडियन हैकर, हाँ वो सब भाई बहुत, जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, सब यहाँ पे बाबा श्याम का दर्शन करने के लिए आए। हम भी जाएंगे अगर टाइम मिला तो, जाना तो है। बोलो खाटू वाले बाबा की जय। फाइनली ये गेट दोस्तों आपने सब ने बहुत बार देखा होगा किसी ना किसी के वीडियो में, चाहे वो मिस्टर इंडियन हैकर हो, एलविस यादव हो, या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो जो यहाँ पे आया होगा ना, वो यहाँ पे, उसने यहाँ पे आके शूट ना कहीं किया होगा। देखो वहाँ पे भी शूटिंग चल रही है। यहाँ की भीड़, यहाँ की मान्यता, यहाँ की श्रद्धा इतनी है ना लोगों में, बहुत लोग रोज आते रहते हैं। और अभी 23 तारीख को आने वाला है बाबा खाटू श्याम का बर्थडे, तो भाई साहब जो भीड़ होगी यहाँ पे, लोग देखो भाई यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, लोग दूर दूर से चल के आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए स्पेशल। यहाँ पे अभी भी आए जा रहे हैं पीछे, तो ये नज़ारा काफ़ी देखने लायक होता है यार, अलग ही वाइब होती है यहाँ की। बाबा खाटू श्याम जी के बारे में बोला जाता है, जिसकी मान्यता या कोई भी होना जो कोई पूरी नहीं कर सकता, वो बाबा श्याम पूरी कर सकते हैं। एलविस यादव जिस वाटर पार्क में आए थे ना, वो यहाँ से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। पर ये अभी यहाँ पे आपको भीड़ कम दिख रही है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, यानी कि थोड़े दिन के बाद चलने के लिए जगह नहीं होगी भाई यहाँ पे। यहाँ पे ये साधन जो चल रहे हैं ना, अब ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बंद हो जाएगी भाई। भाई क्रिस के पास टी शर्ट थी एक बाबा श्याम की, तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी एक टी शर्ट ले लूँ अच्छी सी। मुझे टी शर्ट पसंद नहीं आ रही, मैं सोच रहा हूँ ये कुर्ता ले लेता हूँ, ये अच्छा रहेगा। गाइस मुझे कब से राधा कृष्ण की मूर्ति चाहिए थी, तो फाइनली यहाँ भी मिल गई और काफ़ी सुंदर भी है, तो एक ये ले लेता हूँ। इस मार्केट में घुस गए, कब से शॉपिंग किए जा रहे, एक ना एक कोई ना कोई चीज़ें दिख रही है, हम लेने की सोच रहे हैं। मम्मी अभी नानी के घर भी जाना है, तो क्या करना है, अभी निकलते हैं। चलो भाई अभी शॉपिंग हो गई, वरना यहाँ पे शॉपिंग ही ख़त्म नहीं होगी। राधे राधे। चलो भाई अभी नानी के घर भी जाना है, तो फटाफट से यहाँ से रिक्शा बस जो मिलती है उसमें जाते हैं। बस बहुत पास में, एकदम पास में। फाइनली नानी के घर पहुंच चुके थे, उसके आगे की स्टोरी में आपको बाद में नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं एडिट कर दूंगा। बस थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि मेरी एग्जाम आ रही है और थर्ड ईयर में वो फाइनल ईयर है। ESM निकाल दूँ कैसे ना कैसे, फिर रेगुलर हो जाएंगे हम, लेकिन ESM थोड़ा समझ लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगला नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।